अच्छा लगेगा, खासकर जो बच्चा कॉलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसने कभी तैयारी नहीं की होती ना, उसे हमेशा ही अच्छा फील होता है, क्योंकि कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है ना, तो कॉलेज तो बेटर ही पढ़ा रहा है। अब कॉलेज से बेटर पढ़ोगे लगेगा मैं यार कुछ सीख लिया, लेकिन जब तक आपने क्वेश्चन खुद से किया ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि आपने कितना गेन किया, आपने कितना रीगेन किया। अब जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, मुझे कराते हुए 10 साल हो गए, मुझे तो पता ही है इसको कैसे करना है। मेरे लिए तो वो रिपीट टेलीकास्ट ही है, मैं लगा दूंगा, तुम लोग खुश हो जाओगे कि हाँ भाई सर ने बताया ऐसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, अरे आंसर आ गया। लेकिन जब तुम घर जाओगे, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारे सामने एक भी स्टेप नहीं लिखा होगा, तब क्या तुम सोच पाते हो कि स्टेप 1 क्या होगा? क्या तुम्हें पता है लॉजिकली किस सीक्वेंस में जाना है? क्या तुम ये मेक श्योर कर सकते हो कि कैलकुलेशन एरर नहीं होगा? ये चीजें जब करोगे भले ही टफ लगेगा। एक समय ऐसा था यार, जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था, मेरे से 1 घंटे में सिर्फ 6 सवाल बनते थे, सिर्फ 6 सवाल, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ करके, लेकिन वहां पर मैंने गिवअप नहीं किया। अगर आप ये सोचोगे ना सर घर जाकर के बहुत टाइम लग रहा है, आप तो 5 मिनट में बना देते हो, लेकिन मेरे को थोड़ा सर आधा घंटा लग जाता सेम क्वेश्चन को सोचने में, बट यार मेरे को 5 मिनट में आने में तो 10 साल लगते। ऐसा थोड़ी है कि मैं day 1 से हमेशा से 5 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करते आ रहा हूँ या 2 मिनट में सोल्व करते आ रहा हूँ, उसके पीछे 10 साल का एफर्ट। तो आप कभी भी टीचर को देख के ये मत सोचो ना कि मेरे को इस लेवल पे जाना है या फिर इतना मैं कर पाऊंगा देन आई विल बी सेटिस्फाइड। आप ग्रेजुअली एक एक कदम बढ़ाओ। आज आपको अगर एक क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगता है, कल को हो सकता है 8 मिनट लगे जब आप दूसरी बार वही क्वेश्चन बनाओगे, तीसरी बार आप सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बनाओगे 5 ही मिनट में कर लोगे। तो दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज द पावर ऑफ रिपीटिशन। जब एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो स्किल हमारी ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाती है। जैसे मैं आपको रिसेंटली एग्जाम्पल दूं यार, मैंने रिसेंटली डिसाइड किया कि ना मुझको ड्राइविंग सीखना है। अब जब मैं देखता था कि किसी ड्राइवर के साथ बैठ गया, वो गियर चेंज कर रहा है, गाड़ी भगा रहा है, ऐसा लगता है यार ये तो अपन से हो ही नहीं पाएगा, मतलब ये मैं कैसे कर सकता हूँ, इसमें तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इधर हाथ से गियर बदलो, उधर पैर संभालो, इधर से स्टीयरिंग भी संभालो, गाड़ी तो ठुकेगी। अब हो ही नहीं पाता था, लेकिन जब उसी चीज को 6 महीने 8 महीने बार बार रिपीट किया, तो देन आई गॉट टू लर्न। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई पहले से एम लेके चल रहा हूँ कि मुझको माइकल शूमाकर बनना है, मुझे रेसिंग में जाना है, लेकिन ग्रेजुअली वी कैन कीप ऑन लर्निंग। तो एक एक कदम बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पे कमांड आते जाएगा, और वो खुद यार आपका मोटिवेशन बन जाता है। मोटिवेशन कैसे बन जाता है? कल मेरे को जो चीज नहीं आती थी, जिससे मैं डरता था, आज मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूं, इसमें मोटिवेशन है। कि मेरे को जो स्किल बिल्कुल भी नहीं पता थी, जिस चीज से मैं भागता था, आज वो मेरे कंट्रोल में है, उसमें मैं अच्छा कर पा रहा हूं, तो दैट मीन्स यू हैव प्रोग्रेस। तो बस उस प्रोग्रेस के पाथ पे अगर चलते रहेंगे तो ग्रेजुअली कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते जाएंगे, और ये चीजें प्रैक्टिस से हो सकती है। हो सकता है जब आप पहली बार प्रैक्टिस करो नहीं बने आपसे सवाल, कोई बात नहीं, थोड़ा आसान सवाल बना दो, कोई ऐसा मटेरियल उठा लो जिसके क्वेश्चन और थोड़े इजी है आपके लिए। बट अगर आपने वहां से गिव अप कर दिया कि यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो दिक्कत आएगी। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार गेट एग्जाम डिफिकल्ट है या टेक्निकल फील्ड डिफिकल्ट है, वो किसी और फील्ड में जंप कर जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है ना, एस्केपिस्ट एटीट्यूड बन गया कि जहां पे दिक्कत आने लगी ना, तो वहां मैंने फील्ड ही बदल ली। जहां जिस रास्ते में मुझे दिक्कत फेस हुई, वहां मैंने रास्ता बदल लिया, अब कल को दूसरे रास्ते में दिक्कत आएगी, आप तीसरे रास्ते पे चलोगे। इस तरह से किसी भी रास्ते को आप एंड टू एंड परस्यू ही नहीं कर सकते ना। आज अगर मैं सोचूं कि मैं SSC CGL बैंक की फील्ड में चला जाऊं, माना पेपर आसान है, बिल्कुल आसान बनेगा, लेकिन वहां बच्चा भी फिर 12 लाख 13 लाख बैठे। यहां जब आप 50-60 हजार बच्चे के साथ कंपीट करने में डर रहे हो, भले पेपर टफ हो चाहे पेपर इजी हो, तो आप 12 लाख बच्चों से कैसे कंपीट करोगे, 15 लाख लोगों में कैसे कंपीट करोगे? दूसरी बात आप ये देखो, अगर पेपर टफ बनता है, आज के डेट में इस बार गेट इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत टफ आया, लेकिन 40 नंबर पे PSU मिल रहा है। अब पेपर कितना भी टफ हो, 100 में से 40 मार्क्स लाना तो मुश्किल नहीं है ना। कॉलेज के एग्जाम में 33% मार्क्स लाते हो पास होने के लिए, 40 तो चाहिए। तो बात ये होगी, पेपर टफ हो या इजी हो, अगर आप केपेबल हो, रिलेटिवली आपके अंदर टैलेंट है, तो आप यार पोजीशन भी ले जाओगे, और आप लोग कोई ना कोई जॉब या कोई ना कोई कोर्स भी ले जाओगे पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो इसीलिए ये मत सोचो कि गेट की फील्ड टफ है, यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, यहाँ पे पेपर टफ बनता है। पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है। इस बार सोचो फर्स्ट रैंक 66 मार्क्स थे, इतना लोगों को कभी भी गेट के अंदर नहीं गया, तो पेपर टफ बनना इज नॉट बिग डील, या पेपर टफ होने से कोई प्रॉब्लम वाली बात अपने लिए होती नहीं। तीसरी चीज क्या होती है, डाउट्स। अब आपके जो डाउट्स हैं, आप अगर देखो अनअकैडमी से तैयारी कर रहे हो या किसी भी ऑफलाइन से तैयारी कर रहे हो, तो आप टीचर से पूछ सकते हो, और अगर आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हो। अब जब मैं कभी तैयारी कर रहा था, मेरे पास तो इतने ज्यादा रिसोर्स नहीं थे, तो मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर लेता था, अदरवाइज मैं सोचता था ये तो ज्यादा टफ क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा तो आएगा नहीं क्रिकेट के अंदर।
तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि खुद को डीमोटिवेट क्यों करना है। मैं ये पूछने लग जाऊंगा अगर खुद से मेरे से सवाल बन ही क्यों नहीं रहा है, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, और लोग कर लेते होंगे तो कैसे चलेगा। मैं सोचता था इतना टफ तो गेट वाले भी नहीं पूछते होंगे, चलो आगे चलते हैं भाई। तो डाउट्स आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, बट डाउट्स के अंदर ना सबसे अच्छी बात ये होती है अगर आप डाउट्स को एक्सप्लोर करो तो आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है। और टीचर और स्टूडेंट में पता है यही फर्क होता है, जब हम लोग पढ़ाते हैं ना अगर हमको लगता है कि बच्चे को ये डाउट आएगा तो हमको तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, वरना क्या करेगा वो, पकड़ लेगा सामने से, सर ये वाला डाउट बताओ, अब भागोगे कैसे। अगर आपने नहीं बताया तो मान लेगा यार इस टीचर को ना ये आता नहीं है, और बाहर जाकर के ये बोलेगा इसको तो आता नहीं, मैंने पूछा देखो फेल हो गया टीचर। तो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, फिर हम लोगों को उस लेवल पे एक्सप्लोर करना पड़ता है। लेकिन जब हम चीजें एक्सप्लोर करते हैं उसके लिए हम 10 और चीजों से गो थ्रू करते हैं, और बहुत सारी चीजें हम लोग टाइम टू टाइम सीख जाते हैं। तो जब भी कभी आप किसी भी डाउट को खुद से एक्सप्लोर करने बैठोगे ना तो आप वो डाउट को सॉल्व करोगे, बट आप लर्निंग बहुत सारी ले लोगे। तो डाउट्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। इसके अलावा क्या है, टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है, हम टेस्ट से बहुत भागते हैं कि 10 में से 2 नंबर आ गए, अभी आगे से हमने टेस्ट ही नहीं दिया। अरे तो हमको अच्छा लग रहा है कि टेस्ट में नंबर, अगर हमने टेस्ट नहीं दिया तो हमारे को फेलियर नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस दिन फेलियर मिलेगा वो होगा फिर गेट एग्जाम या कोई और एग्जाम का दिन, और उस दिन फिर बहुत ज्यादा दुख होगा, क्योंकि यार उसके लिए हम साल भर मेहनत किए, सब कुछ किया और फेल हो गए जाकर के, क्योंकि हमने पहले कभी जज ही नहीं किया यार कि हमारा कैसा चल रहा है। अब एक चीज सोचो, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है या जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता है उसकी टेस्टिंग तो होती है ना पहले, सीधा थोड़ी कस्टमर को पकड़ा देते हैं। सेम चीज है, बिना टेस्ट किए आप एग्जाम में कैसे चलेंगे, आपको कैसे पता कि आपकी तैयारी सफिशियंट है। तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं क्या कि यार दिसंबर में देंगे टेस्ट, जनवरी में देंगे, फेब में एग्जाम है। तो टेस्ट को आपको शुरू से देना चाहिए, आप छोटी सी भी स्किल सीखते हो तो आपको उसका टेस्ट देना चाहिए, ये जज करने के लिए कि हमने ये चीज सही से सीखी है या नहीं सीखी है। आप जैसे मान लो कि मैथ्स के अंदर लीनियर अलजेब्रा ही पढ़े हो तो लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट हो ना, पूरी मैथ्स का क्यों इंतजार कर रहे हो पूरा होने का, कम से कम उतना तो जज करो कि इतना पोर्शन मैंने सीखा है, क्या ही मैं अच्छे से सीख पाया या नहीं सीख पाया। इसके अलावा पांचवी चीज क्या होती है आपकी, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को हमें तैयारी में डालना होता है। एक आइडियली स्टूडेंट को तैयारी करनी कैसे चाहिए कि सबसे पहले आप किसी भी टीचर का लेक्चर देखें, वेदर इट मे बी या वीडियो लेक्चर, इट मे बी या ऑफलाइन क्लास। फिर उसके बाद आप घर जाकर के जितना सीखे हो उसको रिवाइज किया, उसको प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस मे बी फ्रॉम एन असाइनमेंट, मे बी फ्रॉम अ स्टडी मटेरियल, इट मे बी फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, कुछ सर्टेन टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, आप उनका टेस्ट दे दी। तो ये होता है कंप्लीट प्रिपरेशन का तरीका। अब हम लोग इसमें से एक चीज उठा लेते हैं, एक कोई बच्चा प्रैक्टिस पे ही लगा पड़ा है, तो कोई बच्चा लेक्चर ही लेक्चर देखने लगा हुआ है, कोई बच्चा सिर्फ पीवाईक्यू पे फोकस कर रहा है, तो कोई सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहा है। लेकिन जब तक आप सारी चीजों को साथ लेके नहीं चलोगे ना, तब तक रैंक आना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस प्रिपरेशन अपने को चाहिए होती है। जब मैं गेट में पहली बार अपीयर हुआ था 2013 में, मेरा 8वीं रैंक थी, तब भी मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा 6-6 घंटे 8-8 घंटे में पढ़ता था, लेकिन जितना पढ़ता था उसको मैं कंसिस्टेंटली पढ़ता था कि यार 2 घंटे अगर देना है 2 घंटे रोज देने हैं, इररिस्पेक्टिव कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कॉलेज में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को छोड़ के 2 घंटे अगर कंसिस्टेंटली दोगे तो भी अपना एग्जाम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो अलग बात होती है कि देखो कॉलेज जो 4 साल बर्बाद किए हैं, हमें वो 6 महीने में अगर कवर अप करना है तो हमें बोलना पड़ता है कि 6 घंटे 8 घंटे तो देने पड़ेंगे भाई, 6 महीने में वो काम कर रहे हैं जो तुम्हें 4 साल में डिग्री में कराया जाता है, तो उसमें हमारी भी मेहनत लगती है और तुम लोग की भी मेहनत लगती है। तो ओवरऑल तो अगर तैयारी की बात करें तो देखो यही सारी चीजें होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है। अब बाकी क्योंकि देखो इस सेशन से पहले बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, तो उन सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, तो बच्चों मैं आपके लिए एक अमेजिंग न्यूज लेके आया हूं। आपके पास मौका है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 49% तक की सेविंग करने का। कैसे, 31 मार्च से हमारे बढ़ रहे हैं प्राइजेस, तो अभी है प्राइजेस मिनिमम, और मिनिमम प्राइजेस में भी हम आपको 10% ऑफ दे रहे हैं। और यहीं तक क्यों रुके, हम आपको दे रहे हैं एक्सटेंशन 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा और 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, जिससे होती है 49% सेविंग। इसीलिए इस मौके को ना गवाते हुए फटाफट अनअकैडमी का हिस्सा बने यूजिंग द कोड अंकित ईएसई, और आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अभी अभी मैंने एनालॉग का कोर्स स्टार्ट किया एट मॉर्निंग 6:30 AM टिल 10 AM, तो आप लोग मेरे साथ एनालॉग कवर कर सकते हो, आप नेटवर्क मेरा रिकॉर्डेड देख सकते हो, और आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट्स को एंजॉय कर सकते हो। तो इस मौके को गवाओ मत, फटाफट से अनअकैडमी पे आओ यूजिंग कोड अंकित ईएसई। लेट्स क्रैक इट।